नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। बद्दी रेल मार्ग पर आएगा 300 करोड़ का खर्चा, आधा खर्चा प्रदेश सरकार का, कहा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही भ्रष्टाचारी, अगली सरकार हिलोपा बना सकती है, कहा महेश्वर सिंह ने। जंजैली के रोजगार कार्यालयों में कर्मचारियों का टोटा, दूर दूर से आए बेरोजगार हो रहे हैं परेशान। और डलहौजी के जंगल से मिली 1.5 साल की मासूम बच्ची, फौजियों ने बचाई मासूम की जान, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। मंगलवार के दिन मंडी नागरिक अधिकार मंच ने शहर में कैंडल लाइट मार्च निकालने का फैसला किया। ये कैंडल लाइट मार्च पंडल में सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने के विरोध में की गई थी और यह मार्च सेरी मन से शुरू होकर मोती बाजार होते हुए वापस गांधी चौक पर खत्म हुई। इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मंडी नागरिक अधिकार मंच के हरमीत सिंह बिट्टू। दूसरा, जो कि मेला वहां पर होता है तो पुलिस और जो फायर हमारा जो डिपार्टमेंट है, इनका ध्यान पहले से ही वहां पर केंद्रित होता है। ग्राउंड में एग्जिट्स भी काफी हैं, हर जगह से निकलने की संभावना है लोगों के पास में, और चारों तरफ से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मूव कर सकती हैं, ग्राउंड के अंदर भी जा सकती हैं। पुलिस डिपार्टमेंट की चूँकि पहली फोर्स वहां पर है तो उनको एडिशनल फोर्स तैनात करने की दिक्कत नहीं आती है। प्लस जहाँ पर जो युवा अगर नाचना चाहते हैं तो उनके लिए एक अलग से हमने बनाया था बैरिकेड, जिसमें कि वो अपना केवल नाचे, और जो महिलाएं हैं उनसे मतलब उनके लिए अलग से बैठने का प्रबंध किया था, जिससे कि दो ग्रुप्स आपस में मिले ना। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगा कि इट वॉज कि लास्ट मंडी नागरिक अधिकार मंच मंडी के नागरिकों की एक लड़ाई पिछले कुछ दिनों से लड़ रहा है मंडी के नागरिकों के बिहाफ पे, वो है सांस्कृतिक संध्याओं को सेरी मंच पे करवाने को लेकर। मैं जैसे पहले भी आपसे कई बार ये अनुरोध कर चुका हूँ कि नागरिक अधिकार मंच जो है वो एक माध्यम के रूप में ये काम कर रहा है, वो इसलिए क्योंकि जो हमने सर्वे करवाया था उसमें मंडी के 80% के करीब लोगों ने अपना ये मत दिया था कि शिवरात्रि के संध्याकालीन जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो सेरी मंच पे होने चाहिए। तो नागरिक अधिकार मंच ने इस विषय को, जनता की राय को आदर देते हुए ये अभियान शुरू किया था, प्रशासन तक मंडी के लोगों का ये मत पहुंचाया था कि इस प्रोग्राम को, सांस्कृतिक संध्याओं को सेरी मंच पे किया जाए। इस अभियान में अलग अलग पड़ाव आए, हमने कोशिश की है पूरा प्रशासन पर दबाव बनाया जाए, मंडी वासियों से, मंडी के नाम नागरिकों से ये विनम्र अनुरोध रहेगा कि ये आपके हक की लड़ाई है, ये आपके अधिकार की लड़ाई है। नागरिक अधिकार मंच कोशिश कर रहा है सबको संगठित करके, सबको जागरूक करके, उनके हक की लड़ाई में उनको साथ लेकर उनके हक को दिलवाने की। तो मेरा आपसे ये विनम्र अनुरोध है कि कल जो कैंडल मार्च आयोजित किया जा रहा है उसमें मंडी के निवासी ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल के आएँ, अपने हक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंडल मार्च में शामिल हों, ताकि प्रशासन पर हम जो है वो अपने हक के लिए, अपनी मांग को लेकर एक दबाव बना सकें, ताकि हमारा ये जो हक है वो हमें मिल पाए। तो मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये अनुरोध करूँगा कि आज से पहले भी मंडी के लोगों ने इस अभियान में हमें पूरा सहयोग दिया है, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि कल भी मंडी के लोग अपने हक की लड़ाई के लिए ज़रूर सड़क पे उतरेंगे, ज़रूर इस कैंडल मार्च में भाग लेंगे। इसी आशा के साथ मैं फिर एक बार आपसे अनुरोध करूँगा। वन अधिकार कानून पर चर्चा और उसे ठीक तरह से आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए मंडी में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिस सम्मेलन में भाग लेने आए लोगों और पदाधिकारियों को राष्ट्रीय वन अधिकार कानून के बारे में जानकारी भी दी गई।
किसी का विशेष समुदाय का किसी का कब्जा था। सामाजिक आर्थिक समानता जन अभियान के संयोजक सुखदेव विश्वप्रेमी ने बताया कि यह सम्मेलन दो दिनों से चल रहा था, जिसमें यहां आए स्वयंसेवकों को राष्ट्रीय वन अधिकार कानून के बारे में जानकारियां दी गई। इस मीटिंग के बाद ये लोग गांवों में जाकर ग्राम सभाएं करेंगे और वन कमेटियां बनाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। हाँ, पिछले कल से और आज राष्ट्रीय वन अधिकार कानून के अंतर्गत जो है हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों से अभियान के स्वयंसेवक आए हुए हैं, जो जिनको राष्ट्रीय वन अधिकार कानून के बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। उसके बाद वो गांव-गांव में जा कर के जो है वो गांव सभाएं करेंगे और वन कमेटियां बना करके लोगों के व्यक्तिगत और जो सामूहिक दावे हैं उनको लेंगे। इस मौके पर बोलते हुए सामाजिक आर्थिक समानता समन्वयक बालक राम ने कहा कि अब जब से ये नया वन अधिकार कानून आया है, उससे वनों पर किसी संस्था या व्यक्ति के अधिकार का ठीक से पता चल सकेगा। जंगल अब वन विभाग से मुक्त होकर उनका रखरखाव आम जनता के हाथ में आ जाएगा। अभी इन लोगों ने मंडी, कुल्लू, चंबा और बिलासपुर में वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए रणनीति बनाई है। हम इस कानून की इम्प्लीमेंटेशन के लिए मंडी, कुल्लू, चंबा, बिलासपुर में मुख्य रूप से वन अधिकार कानून को लागू करने के लिए रणनीति बनाई है, जिसमें सबसे पहले FRC वन अधिकार समिति का गठन करेंगे और उसमें जो लोगों के हक हकूक है वनों पे, मुख्यतः जब कोई भी विकासात्मक कार्य करना होता था, अगर हमने स्वास्थ्य का कोई स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाना है, PHC बनानी है, तो वन विभाग से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर हमने कोई स्कूल बनाना है, नरेगा में कोई सड़क निकालनी है, तो वन विभाग की अनुमति के बिना ये कार्य संभव नहीं थे। इस कानून ने अब विकास को नई दिशा की ओर अग्रसर किया है, इसलिए भी हम इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए रणनीति बनाई है। निश्चित ही राष्ट्रीय वन अधिकार कानून वनों के मामले में लोगों को ज्यादा शक्ति प्रदान करेगा, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं लोग विकास की दौड़ में इतने अंधे ना हो जाएं कि वे ये भूल जाएं कि इंसान को विकास से कहीं अधिक जरूरत पेड़ों और वनों की है। के न्यूज के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बद्दी को शीघ्र ही रेल मार्ग से जोड़ा जाएगा और इस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका आधा खर्चा प्रदेश सरकार और आधा खर्चा रेल मंत्रालय करेगा। ये घोषणा प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बद्दी में सर्व कल्याणकारी संस्था की बद्दी इकाई के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कही। बद्दी में सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। यहां पहुंचने पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर पुलिस के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इस मौके पर युवा कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री को सम्मानित भी किया गया। वीरभद्र सिंह ने आगे जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बद्दी को जल्दी ही रेल सेवा से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र को रेल सुविधा मिलने से कच्चा माल व उत्पाद माल भेजने में कम लागत लगेगी। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बद्दी को रेल सेवा से जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। इस पर 300 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जिसका 50% हिस्सा प्रदेश सरकार उठाएगी। कि वो चंडीगढ़ से जो है किसी रूट के द्वारा जो है बद्दी को जो है रेल जैसे जोड़ेंगे, जो भी खर्चा होगा उसका 50% खर्चा जो है हिमाचल सरकार देगी और 50% खर्चा जो है वो रेलवे विभाग देगा। कुल 300 करोड़ रुपया खर्च होगा, 150 करोड़ रुपया हिमाचल सरकार देगी और 150 करोड़ जो है भारतीय रेलवे देगी। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार ने प्रतिशोध की भावना से झूठे मामले बनाकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि वह हर बार न्यायालय से बाई इज्जत बरी हुए हैं। आज क्या किस्म की बातें होती है, पिछले दिनों में मेरे ऊपर बहुत उन्होंने गंद उछाड़ने की कोशिश की है कुछ लोगों ने। वो कौन है,
कौन है उन्होंने? वो लोग हैं जो कि खुद भ्रष्टाचार के गड़े में सिर तक डूबे हुए लोग हैं, वो लोग हैं, और जिनका बदले की राजनीति करना जिनका लक्ष्य है। हम तो खुले मैदान में लड़ते हैं भाई, आएंगे तो सामने लड़ेंगे, आमने सामने, हम पीठ पे छुरा मारने वाले नहीं हैं। वो लोग हैं जिन्होंने कि जब सत्ता में थे विपक्ष को सत्ता का सहारा लेकर पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की। प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बने, पहली बार बने, सिर्फ एक दो वोट का फर्क था कांग्रेस में और भाजपा में। मेरे ऊपर तथा कथित सागर कथा के का मुकदमा बनाया जो बिल्कुल झूठा था। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे क्रिकेट के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे क्रिकेट के नाम पर करोड़ों की बहुमूल्य जमीन को हथियाने नहीं देंगे। 250 करोड़ रुपए की जमीन है जो आज की जागृत में 250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, वो महज 1 रुपया प्रति वर्ष कोई 100 साल के लिए, कोई 30 साल के लिए हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन को लीज पर दी गई है। और उसके बाद क्या हुआ है? कानपुर में गए, ये हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन जो है ये रजिस्टर्ड और पब्लिक सोसाइटी के द्वारा एक सोसाइटी के रूप में रजिस्टर्ड है, और उसी नाते उनको सरकार ने भूमि दी जगह जगह पर। मगर पहले कानपुर में गए, हिमाचल में नहीं, यूपी में, कानपुर में, वहाँ उन्होंने एक और सोसाइटी रजिस्टर की, उसका नाम भी एचपीसीए था, मैं था क्या हिमालयन प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन, एचपीसीए, हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन नहीं, हिमालयन प्लेयर्स क्रिकेट एसोसिएशन। और उसके बाद उसको भंग करके फिर हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन बनाया, और उसको बिना सरकार की अनुमति के, बिना सरकार को सूचित किए हुए कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी बना दी। आज हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन एसोसिएशन नहीं है, आज ये कंपनी है कंपनी एक्ट के माध्यम से। और जो हिमाचल क्रिकेट एसोसिएशन है उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, क्योंकि कंपनी बन गई है, हमारी सारी संपत्ति जो है अब वो कंपनी में जो है वो वेस्ट होती है। और उसके कर्ता धर्ता कौन है? धूमल परिवार है। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। उन्नीस से आपकी सेवा में रतन सिंह सराफ एंड संस, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सराफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अश्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अश्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें रतन सिंह सराफ एंड संस, मोती बाजार मंडी हिमाचल प्रदेश। क्या आप बेरोजगार हैं और आप नौकरी चाहते हैं या फिर अपना बिजनेस करना चाहते हैं? तो भारत सरकार के तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र NSIC कनाड में बिल्कुल मुफ्त कोर्स का लाभ उठाइए। इन कोर्सेज के लिए आप कौशल विकास भत्ता भी पा सकते हैं। हमारे यहाँ उपलब्ध कोर्स हैं फैशन डिजाइनिंग विद एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। जो ये कोर्स है ये मेरे फ्यूचर के लिए फ्यूचर को सिक्योर करेगा और काफी बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, मोबाइल रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ज्यादा जानकारी के लिए केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल। यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा, टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक मंडी।
अभी कुछ दिन पहले हिमाचल विश्वविद्यालय प्रशासन ने अंडर ग्रेजुएट कक्षाओं की फीस में वृद्धि करने का फैसला लिया था। अब धीरे धीरे प्रदेश के सभी छात्र संगठन उसके विरोध में आवाज बुलंद करने लगे हैं। आज इसी कड़ी में मंडी के कॉलेज की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रिंसिपल के माध्यम से कुलपति को ज्ञापन पत्र भेजा में फीस वृद्धि का कड़ा विरोध किया गया है और उसे तुरंत वापस करने की मांग भी की गई है। एबीवीपी का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अचानक ही 25% फीस वृद्धि कर दी है और ये एक छात्र विरोधी फैसला है और इस फैसले का असर हर आम छात्र पर पड़ेगा। परिषद के मंडी महाविद्यालय की जो इकाई है उसने प्राचार्य महोदय को एक ज्ञापन दिया। ज्ञापन जो था विश्वविद्यालय प्रशासन ईसी की मीटिंग में जो 25% तक एक फीस बढ़ोतरी की बात रख रहा है और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में जो 25% एक फीस बढ़ाई जा रही है उसके विरोध में माननीय वाइस चांसलर को एक ज्ञापन दिया जिसमें विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि जो फीस बढ़ाई जा रही है इसको ना बढ़ाया जाए। एक छात्र विरोधी जो फैसले हैं एक विश्वविद्यालय प्रशासन ले रहा है जिनकी वजह से आम छात्रों को वंचित रहना पड़ रहा है पढ़ाई से। एक तरफ जहां विश्वविद्यालय प्रशासन और हिमाचल प्रदेश सरकार ये कहती रहती है कि सभी को शिक्षा का अधिकार है सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए लेकिन दूसरी तरफ इस वादे को नकारती है और एक तरफ जो छात्र विरोधी फैसले एक पढ़ाई से वंचित रखा जा रहा है सभी को। तो रविवार रात को चंबा जिला के डलहौजी के साथ लगते हुए जंगल मनकोट में जब कुछ फौजी गुजर रहे थे तो उन्हें सड़क से नीचे जंगल के और एक 1.5 साल की बच्ची रोती हुई मिली। इसके बारे में जवानों ने पुलिस थाना डलहौजी को सूचना दी जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एएसआई कृष्णलाल टीम सहित मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया है। जरा इस मासूम बच्ची को देखिए। जंगली जानवरों से भरे जंगल में जहां जंगली भालू तेंदुए सांप गीदड़ आदि काफी तादाद में होते हैं उस पर से कड़ाके की ठंड। इन परिस्थितियों में 1.5 साल की बच्ची का जिंदा मिलना किसी करिश्मे से कम नहीं है। जानकारी के अनुसार रविवार रात को चंबा जिला के डलहौजी के साथ लगते जंगल मनकोट में जब फौजी गुजर रहे थे तो उन्हें सड़क के नीचे जंगल में 1.5 साल की बच्ची रोती हुई मिली। इस बारे में जवानों ने पुलिस थाना डलहौजी को सूचना दी जिस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए एएसआई कृष्णलाल टीम सहित मौके पर पहुंच गए और उन्होंने बच्ची को अपने कब्जे में ले लिया। फौजियों और पुलिसकर्मियों ने जंगल में बच्ची के माता पिता या रिश्तेदारों को खोजने का प्रयास किया लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। यूं तो बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है फिर भी एहतियात के तौर पर पुलिस द्वारा उसका मेडिकल करवा लिया गया है। दूसरे में भी है कंगन दोनों हाथ में चांदी के कंगन। ओ दोए अपने मुलाजिम साहब थले जंगल च पहुंचे उन्होंने बच्चे की रोनी आवाज सुनी उन्होंने बजरिया थाने सूचना दी और सूचना पाकर मैं अपने महिला मुखिया आरक्षी नरेश कुमारी और महिला मुखिया आरक्षी सुरक्षा देवी सरकारी गड्डी लेकर मौके पर पहुंचे और मौके पर बच्ची चेकअप किया। बच्ची से कोई खरोच कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई गई। महिला मुख्य आरक्षी ने चेक किया और लोकल मुलाजमान ने और सुबह आर्मी के अफसर ने भी चेक किया भी ऐसे पैसे कोई अजन भी चीज़ नहीं पाई और मराए कराए मैडिकल मुलाजा महिला मुख्य सुरक्षा देवी और उन्होंने मदद ना मैडिकल मुलाजा कराया जाए जैसी उचित कार्रवाई और इस बार बारह थर्म अफसरों को सूचना दी गई है और अगे भी दे रहे हैं आगामी कार्रवाई जैसे अफसर निर्देश हो कार्य किए जा रहे हैं। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी।
RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. Shop number 15, Indira Market, Mandi. ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट, हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in Chawla chicken, superb chicken, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारे भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट करें 8265033999। कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा जयपुर में राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें समूचे भारत से ईएसआई की टीमों ने विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया। जयपुर में आयोजित इस प्रतियोगिता में आईएसआई बद्दी की महिला टीम ने बैडमिंटन और शतरंज प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया और रनर अप का खिताब हासिल कर हिमाचल का नाम रोशन किया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम बद्दी से अपनी खेल प्रतियोगिता का जौहर दिखाने के लिए 7 महिलाएं जयपुर गई थी, जिसमें उनके द्वारा बैडमिंटन और शतरंज में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए उप विजेता की ट्रॉफी भी अपने नाम कर ली है। 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक ईएसआई जयपुर पे हुई थी और वहाँ पे हमारे यहाँ से 7 लेडीज गई थी बैडमिंटन, टेबल टेनिस और चेस में। तो चेस बैडमिंटन में विनर रही हैं डबल में और टीम चैंपियनशिप में। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक बद्दी ने कहा, कर्मचारी राज्य बीमा निगम बद्दी के क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि बद्दी की महिला टीम ने पिछले वर्ष की तर्ज पर इस वर्ष भी खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और ईएसआई द्वारा जयपुर में आयोजित राष्ट्र खेल प्रतियोगिता में विजेता बन हिमाचल का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों को भविष्य में जो भी सुविधाएं चाहिए होंगी उसे विभाग पूरा करने का हर संभव प्रयास करेगा ताकि वे भविष्य में भी खेल का अच्छा प्रदर्शन कर हिमाचल का नाम रोशन कर सके। विषय है कि आज हमारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम की महिला शक्ति ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किया और सेंट्रल मीट में बैडमिंटन में टीम चैंपियनशिप और डबल्स में उप विजेता रही हैं, जो एक अपने आप में अभूतपूर्व चीज़ है। पिछले वर्ष की तरह ही इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बहुत बहुत बढ़िया रहा और मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी ये इसी तरह का प्रदर्शन करते रहेंगे। यद्यपि और भी काफ़ी सारी डिसिप्लिन और गेम्स हैं, जैसे क्रिकेट हैं या टेबल टेनिस हैं और चेस हैं, जो पिछली बार हमें इन्होंने गौरवान्वित किया था, चेस में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इनको और कुछ अच्छी फैसिलिटी और दिलाएं और इसका इनका प्रदर्शन और सुधरे और यहाँ तक कि विनर्स पोजीशन ये लेते हैं। के न्यूज़ के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ।